बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरक टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मोरक टीवी का विजन है अपनी ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना, उनके प्रॉब्लम्स, उनके मसले, उनके मसाइल आला हकाम तक पहुंचाना और अपनी कम्युनिटी के डिजर्विंग और निजी लोगों को सपोर्ट करना, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप करना और स्मॉल स्केल पे उनको बिजनेस करवा के देना। आज एक बार फिर उसी रिव्यू को मद्देनजर रखते हुए हम हाजिर हुए हैं। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटीज मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं शेख परवेज साहब और मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं वकार हुसैन फाउंडेशन के चेयरमैन अली गिलानी साहब। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले शेख परवेज साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। हम सब लोग बहुत मशहूर हैं, दिली मशहूर हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला। बात यह है कि शुक्रिया तो मुझे आप लोगों का अदा करना है, इसलिए कि आप लोग एक मौका फ्राहम कर रहे हैं कि शायद कोई नेकी मुझसे हो जाए जो ऊपर अल्लाह ताला कबूल कर ले, तो फिर शुक्रिया तो आपका हुआ, मेरा कोई नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं अक्सर देखता हूँ लोग कहते हैं वक्त नहीं है। वक्त उस चीज़ के लिए नहीं है जिस चीज़ की आपको कदर नहीं है। जहाँ आपको कदर है वहाँ आपके पास वक्त ही वक्त है। हर इंसान के पास वक्त होता है, वक्त को मैनेज करना होता है। ऐसी बात नहीं कि इंसान के पास वक्त नहीं है। बड़ी खूबसूरत और बहुत ही प्यारी बात की। मैं भी अक्सर ये कहती हूँ कि लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन वक्त निकालने से निकलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने ये वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ लेके आए। अच्छा शेख साहब, सबसे मैं मतलब बड़ी सरप्राइज्ड हुई हूँ सुन के कि माशाल्लाह से आप 40 साल से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, क्या ये बात सच है? देखें, बात ये वही है कि मैं नहीं कर रहा, अल्लाह ताला ने सबब बनाए हुए हैं, अल्लाह की ज़ात करा रही है। मेरे दो स्पेशल बच्चे हैं। अच्छा। और बड़ी मेरी बेटी जो थी वो तकरीबन आज से 40 साल पहले वो स्पेशल थी, तो तब से हमें एक अंग्रेज़ डॉक्टर ने कहा था, मैं उसको इंग्लैंड ले गया था उसका इलाज कराने, तो फिर उसके दिल का ऑपरेशन वहाँ कराया था। तो वो जो हमारे अंग्रेज सर्जन थे उन्होंने हमें कहा कि जी आप तो अल्लाह ताला ने चुना हुआ है इस काम के लिए, इसलिए आपको ये बच्ची उन्होंने दी है, वो स्पेशल है। बिल्कुल। तो अब अगर आपने अपने रब को राज़ी करना है तो अल्लाह ने आपको एक मौका दे दिया है, तो आप चाहें अपने रब को राज़ी करें। और बेशक ऐसा ही है कि ये इंसानियत की खिदमत जो है ये एक बहुत बड़ा जो है ना, एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि ये काम है, ये बड़ी बहुत बड़ी नॉबल काज है और हर कोई नहीं कर सकता। ये अल्लाह पाक की ज़ात है जो कुछ अपने ख़ास लोगों को चुनते हैं इसके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके लिए भी मैं आपको थोड़ी सी तफसील में बता देता हूँ। जी जी ज़रूर। कि जिस वक्त मैं इंग्लैंड गया था उस वक्त मेरे पास पोलका आइसक्रीम के यहाँ पंजाब में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी पूरे पंजाब के लिए। तो डॉक्टर का जो मुझसे सवाल था, एक तो पहले तो उन्होंने मुझे घर बुलाया जो कि बड़ी हैरानगी की बात थी कि एक अंग्रेज़ डॉक्टर और घर पे चाय के लिए बुलाया दूसरे को, कम से कम हमारे लिए उस ज़माने में, अब तो खैर उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो वो डॉक्टर का सवाल था कि आपके पास कितने लोग काम करते हैं? मैंने कहा जी तकरीबन 200 करते हैं। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि अगर आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल रहा हो और टाइम शॉर्ट हो और आपने सप्लाई पहुंचानी है तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कोई मुश्किल बात नहीं है, मुझे पता है कि मेरे रिलायबल लोग कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग हैं जो सिंसियर वर्कर हैं, तो मैं उन्हीं से काम कराऊँगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं अगर आप उनसे काम कराएंगे, काम भी हो जाता है सारा कुछ, आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है, फिर आप क्या करेंगे? मैंने कहा जी इसका जवाब ये था कि एक ह्यूमन नेचर है, इंसान को फ़ायदा होता है, खुशी होती है, तो वो उस खुशी में लोगों को शरीक करता है। सबसे पहले वो लोग होते हैं जिनकी वजह से उसको फ़ायदा पहुँचता है। तो इस बात पर डॉक्टर साहब ने तालियाँ बजाई और फिर उन्होंने मुझे कहा कि यही बात मैंने आपसे करनी थी जो कि 2 घंटे में करनी थी, आपने 2 मिनट में समझा दी मुझे। ज़बरदस्त। और सबसे मज़े की आप सब लोगों को बात बताना चाहूँगी अपने व्यूवर्स को भी कि इनके 2 स्पेशल बच्चे थे, ना सिर्फ इन्होंने अपने 2 स्पेशल बच्चों की खिदमत की बल्कि 17 स्कूल इस वक्त इनके चल रहे हैं स्पेशल बच्चों के लिए। उन्होंने कहा कि अब मैं सिर्फ 2 नहीं जितने भी होंगे सबको मैं एजुकेट करूँगा,
ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं खुद से नहीं चला रहा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम दिया हुआ है जो लोग चला रहे हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा वॉलंटियर हूँ। मेरी कोशिश होती है कि कहाँ पे कहीं भी मैं कोई अपनी थोड़ी बहुत जो हेल्प कर सकूँ, सपोर्ट कर सकूँ। लेकिन बात ये है कि उसकी बेस तो आप ही बने ना, उसके लिए स्ट्रगल, उसके लिए एफर्ट, आप वो जो कहते हैं कि पहला बीज, पहला पौधा तो आपने ही लगाया। नहीं नहीं, काफ़ी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने किया है, तो देन वी जॉइन हैंड्स, हम लोग फिर साथ शामिल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, जी हाँ। वॉलंटियरली सर्विसेज आजकल के दौर में देना मेरे ख्याल में ये एक कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि लाइफ हर एक की बिजी है, हर एक को सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, हर एक को रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वॉलंटियरली अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी को भी, तो ये एक सदका जारी है। ये बिल्कुल सदका जारी है, लेकिन ये एक आपके सोच पे भी डिपेंड करता है कि आपको आपकी ज़रूरियात कितनी है। अगर आपकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं अल्लाह ताला ने पूरी कर दी हैं, तो फिर आपको क्यों पैसे के पीछे भागना। पैसे के पीछे तो आप जितना दौड़ लगाएं, जितना भागें, पैसा तो उतना आपके आगे आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने अगर आपकी ज़रूरतें बेसिक पूरी कर दी हैं और आपको कनात है, तो आप सुकून में भी हैं। अब आप देखें ना, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र 70 साल है, और इस एज में अभी तक मेरा ब्लड प्रेशर 120 से नीचे है और 80 से नीचे। यही बात मैं कहने लगी थी कि माशाल्लाह आपने बताया है कि 70 साल है, बड़े एक्टिव लग रहे हैं। ऐसे ही है ना, माशाल्लाह बड़े आप यंग और बड़े एक्टिव लग रहे हैं, ये आपने बताया तो पता चला है। अब देखे ना, मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, आपने मौका दिया है। अगर आप में से किसी एक का भी मेरी वसात से या मेरी सपोर्ट से छोटा सा भी काम हो गया, तो आपके दिल से दुआ निकलेगी ना। निकलेगी, बिल्कुल। यही चीज़ होती है जो कि इंसान को नहीं मिलती, और तभी मिलती है जब आप किसी का दिल खुश करें, आप किसी के लिए कुछ सहूलत पैदा। ये एक पैशन है, ये एक जज्बा है, मेरे से ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है, बल्कि हम आपके हाथों के बच्चे हैं, आप हमारे सीनियर हैं, आप हमारे बड़े हैं, और माशाल्लाह आप वर्क में, एक्सपीरियंस में, काम में, मतलब मेरा भी एक जज्बा है, पैशन है, मैं ये काम कर रही हूँ, वॉलंटियरली कर रही हूँ अपनी कम्यूनिटी के लिए, और दिल को इतनी तसल्ली और इतना सुकून मिलता है और इतनी खुशी मिलती है कि बिलीव करें कि ये कुछ दिन पहले एक मैं बहुत बड़े हादसे से बच गई, और मैं फिर उसके बाद सोच रही थी, बल्कि कई लोगों ने मुझे ये बात कही कि तुम शायद इसलिए बच गई क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, वरना शायद ये सब ना होता तो आज मैं यहाँ भी ना बैठी होती। तो ये वाकई लोग कहते जी आपको क्या मिल रहा है ये सारा कुछ करके, लेकिन ये जो लाखों करोड़ों अरबों की दुआएं मिलती हैं ना, आप यकीन करें इतने सुकून की नींद आती है, इतनी मज़े की नींद आती है कि वो करोड़ों अरबों पति लोगों को भी नहीं आती। ऐसे ही है। अच्छा शेख परवेज साहब की आपने अभी सिर्फ एक स्पेशलिटी, एक स्पेसिफिकेशन सुनी है, अभी बहुत सारी बड़ी लंबी लिस्ट है माशाल्लाह से। अखुवत क्लॉथ बैंक के ये मैनेजर हैं, और ये वहाँ से माशाल्लाह आप लोगों के लिए ईद के गिफ्ट्स और बड़े प्यारे गिफ्ट हैम्पर्स लेके आए हैं, कपड़े लेके आए हैं, बड़ी ईद के बड़े तोहफे भी लेके आए हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आए हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारी वो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके बड़े काम आएंगी, आपको बड़ा फ़ायदा, मुस्तफ़ीद होंगे आप उस चीज़ से, तो वो मैं चाहूँगी कि शेख साहब खुद उसको ब्रीफ कर दें कि ट्रांस कम्युनिटी के लिए आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है। देखिए जी, बात यह है कि करने वाली अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल बेशक। आप लोगों ने बताना है कि आपके मसाइल क्या हैं। बिल्कुल। और साथ ही आपने ये बताना है कि जी आपके मसाइल का हल क्या है। बिल्कुल। दो चीज़ें आप बताएंगे, लेकिन एक तरफ जो मसला है और दूसरी तरफ जो हल है, उसके दरमियानी रास्ता जो है, जो एक गैप है, उसको ब्रिज करने के लिए, वो हम आपकी कोशिश करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और आपका साथ देंगे उसमें। ज़बरदस्त। अच्छा, इनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैं खुद थोड़ा सा अनाउंस करती हूँ, मज़ीद ये आपको जो है ना उसको ब्रीफ कर देंगे कि फाउंटेन हाउस में आपका मेडिकल आपको फैसिलिटी दी जा रही है, और ये करवा रहे हैं, पहले से ये काम हो रहा है, और अभी जो लोग नहीं रजिस्टर्ड हैं वो हमें अपना नाम, जो भी उसका प्रोसीजर है वो ये बता देंगे, अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर बता दें तो हम फॉरवर्ड कर देंगे, आपको भेज देंगे, आप लोगों के स्टाइपेंड्स लग जाएंगे, और वो कैसे होता है ये आपको प्रोफेसर खुद बताएंगे। क्या प्रोसीजर है प्रोफेसर? प्रोसीजर ये है कि मैं आपको जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसकी लिस्ट भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है ना। हर महीने 5 से 6 होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे,
और उसमें एक में किसी में आप आइएगा, आप वहाँ अशरफ साहब हैं जो मैनेज कर रहे हैं, वो आपको सारा बता देंगे ठीक है कि क्या प्रोसीजर है, किस एज के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है। मैंने सुना था 40+ लोगों की, 40+ लोगों की, जी बिल्कुल। तो 40+ के लिए तो वो है ना रजिस्ट्रेशन, उसके इसलिए कि जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद उनको महीने में एक दिन वहाँ जाएंगे और वो एक फैमिली डे होता है कि आप अपनी फैमिली से जैसे मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, सारा बड़ा अच्छा दिन गुजरता मतलब है। इसी बहाने गेट टुगेदर हो जाती है, गेट टुगेदर होती है, लोहाई हो जाती है, 150-200 लोग 250 लोग होते हैं एक में। और मेरे ख्याल में रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम होता है, खाने का भी बड़ा अच्छा खाने का होता है, रिफ्रेशमेंट होता है, क्योंकि मेरी कुछ सहेलियां जाती हैं। मेडिकल जो है ना उसमें आपका कंप्लीट मेडिकल होता है, जो जरूरत होती है वो होता है, ठीक है, जो जरूरत होती है वो होता है। अभी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 150-200 लोगों की एक लिस्ट बना लेंगी तो ये एक अलहदा से मैं कोशिश करूँगा अरेंज करने की कि वहाँ पे एक तो आपके खाने का एक दिन हो जाएगा, बेशक आप किसी ओपन जगह पे बल्कि करें, और वहाँ पे फिर ये जो है अपना हेपेटाइटिस का टेस्ट, वो सारे हेपेटाइटिस के टेस्ट हो जाएंगे, जी वो टेस्ट हो जाएंगे सारे, और उसके साथ ना सिर्फ वो टेस्ट होंगे बल्कि उनका ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, आप बता रहे थे। जिसको अल्लाह ना करे किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत हो, लेकिन तो जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत होगी उसको ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। तो आज की मीटिंग में हम एक चीज तो ये करते ना कि ये तो एक फाइन है कि ये हो जाएगी, तो उसमें आप तकरीबन 150 लोगों का आप अपने जहन में बनाए लिस्ट बना लें, आप उन तमाम का खाना, उनकी ये सारी मतलब कम से कम 100 भी हो सकते हैं, 100+ हो। हाँ जी, एक एक्टिविटी जब होनी है तो डोनर ने जहाँ 100 का करना है उसको बड़े आराम से कह के 150 कराया जा सकता है, तो फायदा ज्यादा का लेना बजाय काम का लें। वो एक्टिविटी फाउंटेन हाउस में होगी या किसी और, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वो आप बताएंगे, वो मैं आपको ये वन बाय वन आपको ना मैं बता देंगे। उसमें आप हमारे जो 40+ लोग उनको रजिस्टर्ड भी करवा देंगे, जो वो तो आपको पहले हो जाएंगे, वो पहले हो जाएंगे रजिस्टर्ड, तो पहले भी हो जाएंगे, वो तो आप लिस्ट बना के देना 40+ की, इंशाल्लाह तो वो अशरफ साहब के पास आप जाएंगे आपके बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कर्जे हसना का भी आपने जिक्र किया था कि मतलब हम ऑलरेडी स्मॉल स्केल पे हम बिजनेस करवा के दे रहे हैं कम्युनिटी के लोगों में, तो आप भी कुछ इसका जिक्र कर रहे थे। जी, कर्जे हसना का ये है कि आप जिस जिस इलाके में रहते हैं हर उस इलाके में अखुवत का दफ्तर है, आप अखुवत के दफ्तर में जाएंगे, उनसे फॉर्म लेके आप जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक करेंगे। अगर कोई मसला होगा, कोई गाइडेंस की चाहिए होगी, फिर आप ये आपको बताएंगे, आप मुझसे रब्ता कर लें। आपने मुझसे ये कम्प्लेन की थी कि आप हुकूमत के ऑफिस गई थी, लेकिन पता नहीं आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि आप फार्म को वहाँ फाड़ के फेंक गई, उसकी क्या रीज़न थी, आपने फार्म क्यों फाड़ा, क्या हुआ? नहीं नहीं मैं बताती हूँ, मैं आपने जो भी रिक्वायरमेंट थी वो आपने पूरी कर दी, उन्होंने कहा ब्लड रिलेशन लेके आए, लेकिन ब्लड रिलेशन हम लोग नहीं ला सकते क्योंकि हम ट्रांसजेंडर हैं, या डिसऑन कर दिए जाते हैं, या कट ऑफ हो जाते हैं, या घर से निकाल दिए जाते हैं, हमारे ब्लड रिलेशन कहाँ हमारे साथ आएंगे, ये तो नहीं इनकी कंडीशन होनी चाहिए। अपना ब्लड रिलेशनशिप लेके भाई, जो मैं पहले से लाइक नहीं करता, नहीं ला सकते, अच्छा फिर आपने घर का बिल लेके। चले मैं आपकी बात को ब्रीफ कर देती हूँ, ये कहना चाह रही हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि वो हम लोग उसको उनके मेयार पे पूरा नहीं उतर पा रहे, इसमें थोड़ी आसानियाँ होनी चाहिए। मैं इनको ये बता रहा था कि 36 लाख खानदानों को पाकिस्तान में कर्जा दिया हुआ है और कर्जे की वापसी जो है वो तकरीबन 100% है, 99.99 करके ना, तकरीबन 100% है। अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर कोई कर्जा लिए हुए बंदा, किसी की डेथ हो जाती है तो वो कर्जा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से वो 99.99
आगे आ जाता है। अब ये आप लोगों की इसमें मदद से ही ये एक निज़ाम चल रहा है, और अगर ये सिस्टम को मजबूत ना करें तो फिर तो ये निज़ाम चल नहीं सकता। अगर आप उस निज़ाम में नहीं आई, क्योंकि अगर एक शर्त है कि जी बिल चाहिए, आप बिल वाले निज़ाम में नहीं आए, ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आपके बाकी जो 20 लोग हैं वो भी ना आए। नहीं नहीं, बिल वाला तो मैं मेरे ख्याल में नहीं, मैं जरा उससे अगली बात कर रहा हूँ, मैं उससे अगली बात कर रहा हूँ, ब्लड रिलेशन जो है वो ये वाली अब अगली बात है ब्लड रिलेशन की, उस पर देख लेते हैं। मैं आपकी आप अपने आप ना मैं सोनिया आप इनको साथ ले जाएं। जी जी, मैं वहाँ पे हुकूमत के हेड ऑफिस में टाइम ले दूंगा, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको टाइम ले दूंगा कंसर्न बंदे से जो एक जिम्मेदार बंदा है, ठीक है, उनके साथ आप जाके सारी बात कीजिएगा, उनको सारा बताइएगा, उनकी सारी सुनिएगा, दरमियान में से रास्ते निकल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अगर 100 लोगों के नहीं निकले 80 के निकल आएंगे, 80 के नहीं निकले 50 के निकलेंगे तो सही ना। बिल्कुल, ये तो नहीं है कि नामुमकिन निकलेंगे, फिर जो रह जाएंगे फिर वो आप हमें बताएंगे, फिर हम देखेंगे कि उसको हम आगे कैसे। टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक दो लोगों को दिलवाया, उनको मिला है, मैंने अपने रेफरेंस ही वहाँ पे एक दो साहब हैं, हम एक मैडम भी हैं, मेरी रिस्पेक्ट करती हैं, वो एक दो लोगों को दिलवाया इजीली, शायद पता नहीं रेफरेंस की वजह से उनकी, हाँ मुझे तो उन्होंने कोई ब्लड रिलेशन का नहीं कहा था चले। एनी हो, बात ये है, हम बात को थोड़ा शॉर्ट करते हैं कि कर्ज़ हंसना जो है वो फैसिलिटी भी आपके आप लोगों के पास है, अगर आप स्मॉल स्केल पे कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप 25 से 30, 30 से 40, 40 से 50,000 तक की अमाउंट का कर्ज ले सकते हैं। कर्ज़ हंसना का मतलब होता है कि उस पर कोई मार्कअप नहीं होता, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सिंपल वर्ड्स में उस पर कोई सूद नहीं होता, वो बिला सूद जो है वो कर्ज होता है, जो आपको एक छोटी छोटी सी 2,000, 2,500, आई थिंक इतनी इंस्टॉलमेंट है उनकी, उस पर दिया जाता है हज़ार रुपये। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को अवेल करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, एम्पावर्ड होना चाहिए। अगर आप घर पे 20, 30, 40 से 50,000 रुपये पे कोई छोटे से पैमाने पे काम शुरू करते हैं तो वो मेरे ख्याल में भीख मांग रही हैं एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटी से बहुत बेहतर है। और हलाल इज़्ज़त कमाना एक इबादत। मैं खुद एंटरप्रेनर हूँ, मैं खुद बुटीक का बिज़नेस करती हूँ, आप सब लोगों को पता है मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है। तो मेरे ख्याल में जितना सुकून हलाल रिज़्क में है, यकीन करें किसी चीज़ में नहीं है, और उसमें इतनी बरकत है कि वो ख़त्म भी नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को लाजमी अवेल करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ। वोकेशनल ट्रेनिंग भी कभी प्लेटफॉर्म है शेख साहब के पास, आप लोग कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो उस पर हम एक पूरा एक हम प्रोग्राम कर लेंगे उस चीज़ पे, ना सकते हैं। हाँ, वो इंशाल्लाह पूरा एक प्रोग्राम, और उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सी वोकेशनल ट्रेनिंग हम दे रहे हैं या दे सकते हैं या आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, उसमें स्किल्स होंगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया शेख साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी हम आपसे गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं, वकार हुसैन फाउंडेशन के चेयरमैन अली गेलानी साहब, तो हम इनका भी तारुफ ले लेते हैं थोड़ा सा। क्या हाल है, कैसे हैं अली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा वकार, आपको कितना अरसा हुआ है ये एज एन एक्टिविस्ट काम करते हुए? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए, जब सबसे पहले कोविड-19 आया था। अच्छा, जब कोविड-19 ने आपको एक्टिविस्ट बना दिया, ज़बरदस्त। तो कोविड-19 पे जो है ना, मैंने इसको चीज़ को ऑब्जर्व किया था कुछ ना अपने आसपास के एरियो को, कि बेचारे गरीब लोग बहुत गरीब थे, उनके पास खाने के लिए नहीं पैसे नहीं होते थे। हाँ। तो मैं असल में फिर एक्टिविटी शुरू की बंद रोड वाली साइड पे ना, ये टीम खाने वाली साइड पे। अच्छा। वहाँ पे मेरा कोई ऐसा कोई सिस्टम था कि मेरे वहाँ से रोज आना जाना होता था ना अपने बिजनेस के लिए। तो जब मैं वहाँ देखता था लोग बहुत परेशान हैं, जिससे मिलना उससे कहना मर गए, ये हो गया, मैंने फिर ये अपना जो है ना एक रजिस्टर करा के अपना दारा। अच्छा, आपका माशाल्लाह रजिस्टर करवा के अपना दारा, फिर मैंने लोगों की खिदमत शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी अल्लाह ताला तौफीक देता है उतनी कर देते हैं, अल्लाह ताला जो है हमें तौफीक। तो ये शौक, ये जज्बा आपका अभी प्रैक्टिकली तो चलो आपने इम्प्लीमेंट किया कोविड-19 में, उससे पहले आपके ये शौक? मेरे बचपन से मेरा ये शौक था, मेरे कोई फैब्रिक के कुछ मेंबर थे जो कर रहे थे वो फोत हो चुके थे। अच्छा। उसके बाद मुझे बड़ा जज्बा था कि मैं ऐसा काम करूँ जो मेरे मुझे सुकून मिले करने से। फिर मैंने ये जो है अपने इस बारे में सोचा,
फिर मेरी अपना ख्वाब पूरा किया। अच्छा ज़बरदस्त, तो ये वकार हुसैन गिल का नाम है, ये मेरे मरूम वालिद हैं। अच्छा, फिर मैंने उनके नाम से जाना ही शुरू किया। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अल-फिरदौस में जगह अता फरमाए। और अब ये नेकियां कर रहे हैं, ये सारा सिला जो है, ये जितना भी सदका जा रही है मेरे ख्याल में ये आपके वाले साहब को ये साले सवाब जा रहा होगा। जी ऐसे ही, तो अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा अच्छा। मैं साथ से बताना चाहूँगी कि वकार हुसैन फाउंडेशन के चेयरमैन अली गिलानी साहब ने भी हमारे साथ तआवुन किया है आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में। इन्होंने भी ज्वेलरी, कुछ गिफ्ट हैम्पर्स, प्रेसेस हमारी कम्युनिटी के लिए अरेंज किए हैं। तो एक बार मेरे ख्याल में क्लैप हो जानी चाहिए कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि बड़ी ईद के गिफ्ट्स में, गिफ्ट सेरेमनी में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। नाज़रीन, हम वापस आते हैं शेख परवेज़ साहब से। बहुत मज़े का, बहुत अच्छा, बड़ी नॉलेजफुल बातों का सिलसिला जारी था। तो परवेज़ साहब से हम एक जाते जाते मैसेज भी लेंगे कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, और अपने दिल की कोई बात भी कहना चाहें, कोई विश का इजहार करना चाहें तो ज़रूर किया। देखिए, एक तो आप लोग ना आपस में अपनी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि किसी एक का ग्रुप है, 10 बंदे उसमें हैं, उसको आप अपने साथ लिंक करें, ठीक है, ताकि आपका प्लेटफॉर्म हो, एक प्लेटफॉर्म हो, उस पर पता लगे कि जी बहुत सारे लोग हैं। और एक बात जो एक जगह से होनी है वो सबके लिए हो जाए। दूसरा, आप जहाँ भी जाएं, कहीं भी आपको कोई माजूर नज़र आए, ठीक है, वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये जिस्मानी माजूर है, नाबीना है, या जहनी माजूर है, किसी भी उम्र का हो, वो भी आप इनको उसका नाम पता और बता दें कॉन्टेक्ट नंबर, वो भी आप बता सकते हैं। ज़बरदस्त, लगता है जितनी भी नेकियां वो सारी आपने ही ले जानी है। ये आपको बड़ी नेकियां मिलनी है। गुजरते गुजरते आप किसी घर में गए, आपने देखा गुजरते हुए कि कोई माजूर है, आपने उसका नाम पता कॉन्टेक्ट नंबर इनको दे दें। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं, हर घर में माजूर भी होते हैं। फिर हम देखेंगे कि कहाँ करना है। कितनी खुशी हो रही है कि इन्होंने किसी की मदद की है। सहूलतें लोगों के लिए सहूलतें पैदा करें, जो सहूलत आप जिस तरह की भी दे सकते हैं ना, पता लगता है आप जा रहे हैं, आपके सामने कोई बीमार जा रहा है, कोई बूढ़ी औरत जा रही है, आप उसको रास्ता दे दें। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो आप साइकिल वाले को रास्ता दे दें, गाड़ी पे बैठे हैं तो आप अपने साथ वाले को कह दें कि यार ये मोटरसाइकिल वाले को गुजरने दो। छोटी छोटी बातों से आप अगले का दिल खुश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें हमारी बख्शिश का सामान भी बन जाती है बाज़ोकात। और एक गालिबन रवायत भी है कि जो अल्लाह के कामों में लग जाता है, अल्लाह पाक उसके कामों में लग जाते हैं। और मखलूक़ खुदा की खिदमत करने से बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं है, क्योंकि हकूक़ अल इबाद का सबसे पहले जिक्र होगा ना। हकूक़ अल्लाह तो अल्लाह पाक जब चाहे माफ़ कर सकते हैं, सबसे पहले जिक्र हकूक़ अल इबाद का है, जिस पर हम लोग बिल्कुल फोकस नहीं करते। तो हाँ, ये चीज़ होना चाहिए, इस चीज़ पर फोकस होना चाहिए हमारा। तो मुझे बड़ी प्यारी लगी वैसे आपकी बात, मेरी नज़र में भी काफ़ी लोग हैं, मैं रेफर करूँगी आपको इंशाल्लाह। आप कोई मैसेज देना चाहते हो सोसाइटी को, कम्युनिटी को, मेनस्ट्रीम सोसाइटी को अपनी तरफ से? मैं ये मेरा पैगाम ये है कि आप लोग जितने हैं ना, आपको आपस में इत्तेफाक मोहब्बत से रहना चाहिए, ताकि आपको कोई मसला मसाइल आए तो आप एक यूनिटी होना चाहिए। मेरी अब ये कोशिश है कि मैं आप लोगों की कम्युनिटी के लिए कुछ जितना हो सके जो है ना वो करूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह ताला आपका तलावन चाहिए तो जो है ना इसको हम साथ लेके चलेंगे और आपकी कम्युनिटी को इंपावर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा हमने जो है ना एक्टिविटी करना चाह रहे थे, वो बॉल दें कहाँ पे हैं, हम एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाह रहे थे। मैंने कहा माहौल कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया, बहुत इल्म अदब की हमने बातें शुरू कर दी, इसमें नाम इस पर लिखे हुए हैं। एक्टिविटी ये है कि इधर से एक नाम अनाउंस करेंगी और शेख साहब इसमें से एक स्लिप निकालेंगे और बताएंगे कि उसमें किसकी किस्मत में क्या है। जस्ट लाइक लकी ड्रा ना, मतलब इससे ये होता है कि किसी को ये फील नहीं होता कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं या उसकी हेल्प कर रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक हम ये गेम खेल रहे हैं, प्रोग्राम भी है हमारा और हम गेम भी खेल रहे हैं। मोना, साइमा, गुड़िया,
मोबी तमीना तमन्ना तमन्ना लोहा कौन है लोहा याद नॉमी मोमो यस मोमो जी हमारी फेवरेट है बोली बोली साइमा जी ज्वेलरी सेट जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने हमेशा हर खुशी हर गमी हर इवेंट को सेलिब्रेट किया अपनी क्लास कम्युनिटी के साथ, तो आज भी हमने कोशिश की है कि जैसे कि आपको पता कि ईद उल अज़हा आने वाली है, हमने अख़वत के वॉलंटियर शेख परवेज साहब के साथ, वकार हुसैन फाउंडेशन के चेयरमैन अली साहब के साथ हमने गिफ्ट सेरेमनी की और अपनी ट्रांस कम्युनिटी में प्यारे प्यारे खूबसूरत और दीदा जेब कपड़े तकसीम किए। तो अब टाइम हो गया खाने का, तो इंशाल्लाह हम सब लोग इकट्ठे खाना भी खाएंगे, जिसके लिए हमारे साथ तआवुन किया है शेख परवेज साहब ने, अलमायदा ट्रस्ट ने। तो अल्लाह पाक उन्हें जजाए खैर दे, अल्लाह पाक उनके रिज़क रोज़ी में बरकत अता फरमाए। हम सबकी दिली दुआएं उनके साथ हैं जिन्होंने हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए, मेहमानों के लिए स्पेशल खाने का इहतमाम किया। तो इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज़ को, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरट टीवी। अल्लाह निगेबान। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरट टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।